Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asad Yaqub. Assalamu alaikum. This is Shumaila Naja. All right. हमारा जो उर्दू का चैनल है ये काफ़ी अच्छा इसको जो है ना पॉपुलैरिटी मिल रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पहले तो हैरान है कि असद सर को उर्दू हिंदी भी आती है हाँ जी और मुझे पंजाबी भी आती है हाँ okay, अच्छा, कई लोगों ने डिमांड भी की थी कि हमें नहीं समझ आता हमें उर्दू में समझाएं हाँ एग्जैक्टली तो शुमाइला हाँ आज हम इनको उर्दू में क्या समझाने लगे हैं अच्छा, जो कि आइल्स के बारे में और आइल्स इंग्लिश में है हाँ जी आइल्स इंग्लिश में है लेकिन हम ये समझा उर्दू में ताकि आप लोगों को समझ आ जाए अच्छा सर ये वीडियो हमने आपसे क्वेश्चन इस वीडियो में एक्चुअली करने लगी हूँ आइल्स स्पीकिंग से रिलेटेड ठीक है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्यू ठीक है हाँ हाँ स्पीकिंग हाँ का बिल्कुल बिल्कुल तो क्यू कार्ड के बारे में हमें आप बताएं जरूर बताऊंगा देखिए क्यू कार्ड के बारे में पहली बात ये है कि हर चार महीनों के बाद ना इनको होता है कि कुछ फ्रेश टॉपिक्स ऐड अच्छा। हो जाए पिछले टॉपिक्स कुछ ड्रॉप हो जाएं तो बस वो ऐड ड्रॉप इनका चलता रहता है और क्यू कार्ड एक ऐसी चीज है कि अगर आप चैट जीपीटी को कमांड देना वो आपको 1000 क्यू कार्ड निकाल देगा ठीक है तो बेसिकली क्यू कार्ड को आपने रट्टा नहीं लगाना मेमोराइज नहीं करना क्यू कार्ड में सबसे पहले आपने अपना माइंड बनाना है अच्छा दो तरह के आंसर होंगे एक आपका होगा रियलिटी बेस्ड आंसर एक आपका होगा फिक्शन बेस्ड आंसर फिक्शन बेस्ड है कि आप क्रिएट कर रहे हो रियलिटी बेस्ड है कि वो चीज आपके लिए आपके पास वाकई है अब फर्स्ट करेंगे एक टॉपिक आता है डिस्क्राइब अ टीवी प्रोग्राम यू ऑफन वॉच और आप टीवी नहीं देखते ठीक है तो आपको तो दिक्कत होगी बताने में लेकिन आप क्या करते हो आप एक फिक्शन में जाके एक आंसर क्रिएट करते हो कि कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम है या म्यूजिक प्रोग्राम है उसके बारे में या कॉमेडी प्रोग्राम है उसके बारे में बात कर दूंगा तो पहले तो ये सोचें कि आंसर आपके पास रियलिटी में है यानी कोई वाकई टीवी प्रोग्राम है जो आप देखते हो अगर तो है तो वेल एंड गुड अगर नहीं है तो उसको क्रिएट और ये आपने सीखना है प्रैक्टिस करके ठीक है तो जो टॉपिक है ना टॉपिक में सबसे पहले आपने सिर्फ टाइटल पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना टाइटल पढ़ना आपको पेन पेपर मिलेगा क्यू कार्ड में टॉपिक आपको एग्जामिनर की जो बुक है ना वो क्वेश्चंस वाली वो मिलेगी वो बाद में उठा के ले आना मजाक कर रहा हूं ओके आपको बुक देते हैं उठाने देंगे भी नहीं इसके ऊपर कुछ नहीं लिखना ठीक है तो उस जो क्यू कार्ड वाली बुक है ना उससे पता चले एक बच्चा क्यू कार्ड वाली बुक लेके भाग गया काबू ही नहीं आ रहा ठीक है कि उसको फीस दे के कहा था कि तू स्पीकिंग के टेस्ट में जाना और क्यू कार्ड वाली बुक उठा के ले आना अच्छा तो आपने क्या करना है टॉपिक होगा फर्स्ट करें अगर आपका टॉपिक है डिस्क्राइब अ प्लेस यू वंस विजिटेड विजिटेड का मतलब है सेकंड फॉर्म का मतलब है पास्ट टेंस अब आपका क्यू कार्ड है पास्ट टेंस तो आपने जो टोटल क्यू कार्ड पे बोलना है वो पास्ट टेंस में बोलना अब वहां पे ये नहीं कि दो सेंटेंसेस पास्ट के दो प्रेजेंट के तीन पास्ट के चार प्रेजेंट के नहीं टोटल पास्ट टेंस ठीक है अब आपने क्या करना है पास्ट में जाके सोचना है कि अ प्लेस दैट आई विजिटेड इन द पास्ट कोई भी जगह हो सकती है कोई दूसरा सिटी हो सकता है आपके सिटी की कोई प्लेस हो सकती है आपके सिटी के नॉर्दर्न एरिया आपके कंट्री के नॉर्दर्न एरियाज हो सकते हैं कोई और कंट्री हो सकता है ठीक है तो वो आपने इमीडिएटली पेपर पे लिख लेना है और साथ लिख लेना है पास्ट टेंस क्या आपको पता हो कि आपका टॉपिक पास्ट में है आपने पास्ट में ही इस पे बोलना है अच्छा उसके बाद क्या होता है आगे दिए होते हैं क्यूज एक तो आपने क्या किया आपने टॉपिक का टेंस देख लिया कौन से है दूसरा आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने इस चीज को लेकर के बोलना है जब ये दो डिसीजंस हो गए अब आप आगे क्यूज पढ़ेंगे तीन से चार क्यूज होते हैं क्यूज में क्या होता है वेयर इज दैट प्लेस अब लोकेशन बताएं व्हाई डिड यू गो देयर रीजंस बताएं ठीक है और क्यू कार्ड ऐसे हैं अगर आप एक दफा क्यूज जिनको हम कहते हैं ना WH questions एक दफा अगर आप WH questions को सीख लेना when का मतलब है कब या जब why का मतलब है reason where का मतलब है location how का मतलब है method और manner how something is done who का मतलब है person तो जब who how where when why ये चीजें आएंगी तो आपको पहले से ही पता होगा यहाँ पे मैंने दो तीन reasons के क्यों बनाने हैं यानी नोट्स बनाने हैं यहाँ पे मैंने पर्सन के बारे में नोट्स बनाने हैं यहाँ पे मैंने लोकेशन के बारे में तो जो आउटलाइन है जो एक मिनट में आपने प्रिपेयर करनी है अगर आप अच्छी आउटलाइन प्रिपेयर करेंगे एक मिनट के बाद एग्जामिनर ने कहना है यू विल नाउ हैव टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक फॉर 1 to 2 minutes तो उसके बाद फिर नोट्स भी आपके सामने टॉपिक भी आपके सामने तो आपने शुरू करना है और एक चीज याद रखिएगा शुमाइला आइल्स के स्पीकिंग टेस्ट में टॉक टाइम 1 to 2 minutes होता है अच्छा और पार्ट टू में 1 minute इज अ लॉन्ग टाइम आपको लगेगा कि मैंने पता नहीं कितना के बोल दिया वहां 25 seconds होते अच्छा, हैं बाज़ लोगों को ना तेज बोलने की भी आदत होती है उनका तो टॉपिक फौरन ही खत्म हो जाता है उनका 20 seconds में क्यू कार्ड खत्म हो जाता है कुछ लोग एलेबोरेट नहीं करते उनका भी टॉपिक जो है ना 15 seconds में तो आप लोगों को मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप अपने मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग होती है ना ऑडियो रिकॉर्डिंग पहले 1 minute का टाइमर लगाएं 1 minute में क्यू कार्ड प्रिपेयर करें
उसके बाद मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग ऑन करें, क्यू कार्ड पे बोलें, यहाँ पे टाइमर भी चल रहा है, आपको पता है अब मैंने 50 सेकंड बोल दिया, अब मैंने एक मिनट बोल दिया, तो मैं ये कहूँगा कि एवरेज रखें 90 सेकंड्स। अच्छा। कि आपने 90 सेकंड्स तक बोलना है, उसके बाद फिर आपको एग्जामिनर भी चुप करवा देंगे। और एक्चुअल एग्जाम में, हाँ एक और टिप दूंगा, एक्चुअल एग्जाम में पार्ट टू में जब आपको एग्जामिनर बोले ना थैंक यू, या एग्जामिनर आपको इंटरप्ट, तब आपने रुकना है, उससे पहले नहीं रुकना, बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। और हाँ, अगर क्यूज में से कोई क्यू मिस भी हो जाता हमें है भी तो क्वेश्चन आपसे करने लगी, डजंट मैटर, कोई बात लेकिन नहीं। ये भी जरूरी है कि उनको कवर भी करना है। देखें, कवर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि लिखा होता है यू शुड से। आपने सिर्फ जो मेन टॉपिक है ना, डिस्क्राइब अ टीवी प्रोग्राम यू ऑफन वॉच, आपने टीवी प्रोग्राम के बारे में बोलना है। वो क्यूज दिए होते हैं क्योंकि एक मिनट बोलना है तो आपको, ताकि हेल्प हो जाए थोड़ी सी। तो अगर आप उन क्यूज को फॉलो करते हुए बोलते हैं तो भी ठीक है, सारे क्यूज नहीं कवर होते, एक दो हो जाते हैं तो भी ठीक है। अगर आपको बोलते बोलते एग्जामिनर ने इंटरप्ट कर दिया और आपके एक दो क्यूज मिस हो गए तो भी कोई मसला नहीं है, तब भी आपको बैंड स्कोर पूरा ही मिलेगा। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि अगर हम क्यूज को फॉलो करेंगे तो हम क्वेश्चन की बाउंड्रीज नहीं छोड़ेंगे? दैट्स वेरी गुड आइडिया, बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग क्यू, अच्छा कुछ लोग पता है क्या करते हैं, मैं अपनी क्लास में ना मैं स्पीकिंग करवाता हूँ, बच्चों को क्यू कार्ड देता हूँ, अच्छा उसके बाद जब वो आते हैं मैं उनके साथ मॉक टेस्ट करता हूँ, मॉक टेस्ट में बोलते हैं कोई 15-20 सेकंड के बाद ना ब्लैंक हो जाते हैं, मैं कहता हूँ टॉपिक किधर है, फिर ढूंढते हैं यहाँ से ना टॉपिक निकालते हैं, वो बेचारा ऐसे उसको ना चुरमुड़ किया होता है, फिर उसको खोलते हैं, फिर मैं कहता हूँ नोट्स किधर है, वो तो बनाए नहीं। तो मतलब अगर ये एटीट्यूड होगा तो फिर आप क्या एक से दो मिनट तक बोलेंगे। और स्पीकिंग पार्ट टू इज द जान ऑफ आईएलटीएस स्पीकिंग, कि वहां पे ना हार्ट ऑफ आईएलटीएस स्पीकिंग, वहां पे वो देखते हैं कि ये बच्चा 7 बैंड वाला है, 8 बैंड वाला है या 5 बैंड वाला है। तो पार्ट टू को जितने अच्छे से प्रिपेयर करेंगे उतना अच्छा। और अच्छा सर, मुझे ये लगता है कि पार्ट टू इस तरह से इजी हो जाता है, आपको ऑलरेडी पता होता है कि उसमें बोलना क्या है। बिल्कुल, बोलना क्या, टॉपिक पूरा स्क्रिप्ट आपके सामने है, एक मिनट का टाइम है, नोट्स आप बना सकते हैं, उसके बाद आपने बोलना है, तो इस लिहाज से आपके लिए आसान हो जाता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमें टॉपिक्स बताएं एग्जैक्टली हम किन टॉपिक्स को लेके आपके लिए वीडियो बनाएं। और एक दफा पेश माइला, मैं आपको वेलकम करता हूँ। इससे पहले भी हम लोगों ने काफी व्लॉग्स बनाए, काफी इस तरह की वीडियोस बनाई, फिर दरमियान में एक गैप आ गया, लेकिन नाउ वंस अगेन असद याकूब आइल्स ट्रेनर पे शुमाइला और मैं इकट्ठे आपके लिए ये पॉडकास्ट बनाए। हाँ जी, कई लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ चली गई हैं, पता नहीं लगता, कहीं नहीं गई है, कैमरे के पीछे चली गई, अब इनको फिर हाँ कैमरे के पीछे से उठा के कैमरे के सामने ले आए। तो अभी इंशाल्लाह शुमाइला मेरे साथ होंगी और हम लोग और भी पॉडकास्ट बनाएंगे। और शुमाइला का अपना एक चैनल है शुमाइला नजम के नाम से, और वो चैनल भी मेरी वीडियो से भरा हुआ है, तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। एग्जैक्टली, उसको भी सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसकी वीडियोस भी देखें, आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं सर असद याकूब, यस ऑनलाइन क्लासेस, इन कैंपस क्लासेस, आईएलटीएस टेस्ट बुकिंग सर्विस, आईएलटीएस के एग्जाम से एक हफ्ते पहले हम लोग एक वेबिनार करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आईएलटीएस मास्टर स्किल्स वेबिनार, बड़े सोच के आइडिया निकाला था कि फौरी तौर पे क्या कर सकें लोगों के लिए। एग्जैक्टली, तो मास्टर स्किल्स वेबिनार है एग्जाम से एक हफ्ता पहले, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट बुकिंग सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, पीटी की क्लासेस हम ऑफर करते हैं, इनमें से कोई भी सर्विस आप लेना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट असद को और शुमाइला को, इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।